2023 का अभी रिजल्ट आपका आया है 2-3 दिन पहले, अगले HCS की वैकेंसी जल्दी ही आपके आने वाली है। सो इस बार हम अकेडमी की तरफ से मेंस आंसर प्रैक्टिस का बैच बहुत ही एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप मेंस की आंसर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएंगी। HCS 2025 न्यू बैच मैप बैच का नाम रहेगा, मेंस आंसर प्रैक्टिस दोनों ही मीडियम के लिए बैच है, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। Now, before starting about the course, I just want to tell about the academy result. In the last 3 years, total 107 selections has been given in HCS. और इसमें से इस बार total 50 selections रहे हैं, जिसमें 2 SDM, 3 DSP, 5 ETO, नायब तहसीलदार एंड BDPO. उसके अलावा पिछले 2 HCS में 24 selection 2023, including rank 1, and 33 selection in HCS 2021, 9 SDM उसमें से आपके टोटल थे। एंड अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई एम डन MBBS क्वालिफाइड HCS 2019, सर्वड एज मेडिकल ऑफिसर विद हरियाणा गवर्नमेंट फ्रॉम 2015 टू 19। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। आप अकेडमी के फेस ग्रुप टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेंस आंसर प्रैक्टिस इस बैच का नाम है मैप, मैप प्लस, प्लस इज फॉर मेंटरशिप, HCS 2025 के लिए रहेगा। आंसर राइटिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, जीएस में। तो इस बैच में सारी की सारी चीजें हम बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले आंसर राइटिंग में क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है, और टोटल मतलब स्टेप बाय स्टेप वीकली आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 1 घंटे का आपका टेस्ट पेपर रहेगा और उसके बाद आपका डिस्कशन रहेगा, सारे के सारे आंसर आपके चेक करे जाएंगे, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा बेस बिल्डअप कर सके आंसर राइटिंग का अपना, क्योंकि वीकली आपको जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से आप इंप्रूव करके नेक्स्ट वीक उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इस कोर्स में रहेंगे आपके 20 टेस्ट रहेंगे। हर थर्सडे को आपका टेस्ट रहेगा, 6 से लेकर 7 बजे तक टेस्ट रहेगा एवरी थर्सडे, ये डेट फिक्स है। डिटेल इवैल्यूएशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इवैल्यूएटेड कॉपी आपको विद इन 72 आवर्स यानी 3 दिन में वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। बट ये 3 दिन आपके, जैसे मान लीजिए थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी क्लास रहती है, तो वो आपके 3 दिन जो है वो संडे से कैलकुलेट होंगे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। तो उन 3 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट कॉपी जो है वो चेक करवा के प्रोवाइड करा दी जाएगी, रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा विद द रैंक, ताकि आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। टेस्ट जिस दिन रहेगा उसी दिन लाइव डिस्कशन रहेगा टेस्ट का, और 7 to 8 PM ये रहेगा, यानी टेस्ट आप देंगे उसके बाद लाइव डिस्कशन रहेगा और कॉपी आपको चेक करके मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन पर टेस्ट आपके रहेंगे हर टेस्ट पेपर में आपको, ताकि धीरे धीरे आपका अच्छा बेस बिल्डअप हो सके। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, लेटेस्ट HCS ट्रेंड पे रहेंगे, UPSC के हिसाब से भी रहेगा। इस कोर्स का एक आपका डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसमें आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको मेंटर्स का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, यानी मेरा नंबर आपके पास रहेगा, प्रदीप सर का नंबर आपके पास रहेगा, या फिर अगर कोई मेंटर आपको साइन किया जाता है तो उनका नंबर भी आपको दिया जाएगा। टॉपर्स की कॉपी बाकी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आप उसको देख के इंप्रूव कर सके। मेंटरशिप इस बैच में इंक्लूडेड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हम हर बैच में इसको इंक्लूड करके रखते हैं, और हमारा मानना है कि इससे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती है आप उसको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसका जैसे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आंसर कॉपी आपको सबमिट करनी है वो आपको सेम डे सबमिट करनी पड़ेगी, यही इसकी एक फिक्स चीज है। यानी मान लीजिए आपका टेस्ट नंबर 1 है 27 तारीख को, तो आपका 24 आवर्स का आपको टाइम पीरियड मिलेगा सबमिट करने के लिए, 6 बजे टेस्ट आपको मिलेगा, तो 28 तारीख को 6 बजे शाम तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपकी टेस्ट कॉपी इवैल्यूएट करी जाएगी। ये फीचर हमने इसलिए रखा है ताकि आप डिसिप्लिन्ड वे में विद इन अ डे आप उसको सबमिट करें, ठीक है, अदरवाइज आपको डिस्कशन और वो चीजें तो बाद में भी मिलती रहेंगी, ठीक है, और उसी कारण से ही हम इसमें आपको विद इन 3 डेज चेक करके भी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये सबसे जरूरी है ताकि आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करें। अगर हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देते हैं तो स्टूडेंट भी काफी रिलैक्स हो जाते हैं और वो टाइम पे टेस्ट नहीं लिखते और उसको कोई फायदा नहीं होता। तो ये इसका सबसे यूनिक फीचर हमने रखा है। एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट सबसे पहला रहेगा, टेस्ट नंबर 1। ये सिलेबस हमने दे रखा है, स्टोन एज, वैदिक एज, ये सारी की सारी डिटेल आप देख सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बता देता हूँ। टेस्ट नंबर 2 4 तारीख को पॉलिटी का रहेगा, 3 अगेन एंशियंट का रहेगा, 4 पॉलिटी का रहेगा टेस्ट नंबर 3, फिर मिडाइवल का रहेगा, फिर पॉलिटी अगेन, फिर मिडाइवल का सेकंड टेस्ट, फिर पॉलिटी अगेन, मॉडर्न का टेस्ट,
फिर उसके बाद आपके टेस्ट रहेंगे ज्योग्राफी, तो यहाँ से फिर ज्योग्राफी आपका स्टार्ट होएगा, ज्योग्राफी टेस्ट वन, मॉडर्न का सेकंड टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 11, और फिर ज्योग्राफी का टेस्ट टू टेस्ट नंबर 12। हर वीक आपके टेस्ट चलते रहेंगे, 13, 14 आपके इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के रहेंगे, इकोनॉमी टेस्ट टू, और 16 को फिर से साइंस एंड टेक टेस्ट टू, थोड़ा सा वेरिएशन भी रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 17 और 19 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट आपके सारे पेपर रहे, 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर का टेस्ट रहेगा, अगेन 5-5 क्वेश्चंस का। तो ये इस तरीके से 20 टेस्ट इसमें टोटल इंक्लूड करे गए हैं 7 नवंबर तक। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि तब तक आपका प्रीवी की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर कोई भी डेट एग्जाम के हिसाब से चेंज होती है तो आपको शेड्यूल जो है उसी हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे और टेस्ट भी आपके सारे कंप्लीट हो जाएं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, इस कोर्स में लिमिटेड सीट रखी गई है, ओनली फर्स्ट कम 50 स्टूडेंट जो है उन्हीं को कोर्स में लिया जाएगा, ताकि हम पर्सनल लेवल पे आपकी कॉपीज को अच्छे से चेक कर सकें और आपको फीडबैक प्रोवाइड करा सकें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ही रहेगा। अब टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सबमिट करना है उसका एक डिटेल्ड वीडियो, जैसे ही आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, टेस्ट में कोर्स में जब आप देखेंगे तो कंटेंट सेक्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको सबमिट करना है। आपको एक स्टूडेंट पोर्टल मिलता है ऐप पे, आप उसमें टेस्ट पेपर में जाएं और अपना जो मान लीजिए टेस्ट नंबर 1 है वो आपको वहीं पे दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसको फिर आप अपलोड कर सकते हैं। जो अटेम्प्टेड कॉपी है उसको पीडीएफ बना के, पीडीएफ फॉर्मेट में ही वो हमें मिल जाएगी, हम उसको चेक करके दोबारा से अपलोड करते हैं, टेस्ट कॉपी आपको उसी में दिख जाएगी। 3 चीजें होती है उसमें, क्वेश्चन पेपर, सबमिट द कॉपी एंड चेक्ड कॉपी। तो इस तरीके से आप सबमिट करेंगे और 3 दिन में आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू कोर्स की फीस, जो है वो हमने रखी है 5,000 रुपीज ओनली, क्योंकि 20 वीक्स तक ये चलेगा, 20 टेस्ट इसमें हैं और जिसमें 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, तो लगभग 7 टेस्ट अगर हम देखें लगभग 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसके अलावा 1 जुलाई तक इसमें 20% ऑफ हमने रखा है लाइक ऑलवेज, तो इसकी फीस रहेगी 4,000 रुपए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू एनरोल। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एंड्रॉइड यूजर एप्पल यूजर दोनों के लिए एप्लीकेशन है, और सेम डॉक्टर मित्र अकेडमी आप सर्च करके भी देख सकते हैं, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और वेबसाइट पे भी जाके आप कर सकते हैं drmitracademy.com। लिंक्स जो नीचे दे रखे हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद आप जाएंगे टेस्ट सीरीज सेक्शन में। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको मिलेगा मैप HCS 2025 मेंस टेस्ट सीरीज, उसमें जाएंगे, पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यूज, तो ये 2 नंबर अकेडमी के रहेंगे 9588533951। तो इसमें आपकी टीम से बात हो जाएगी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो, सो आपको जितना भी सपोर्ट हो सकता है वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। तो उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेजरली इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए 20 वीक की टेस्ट सीरीज है, एंड वी हैव केप्ट फीस एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल। सो सी यू इन द टेस्ट सीरीज, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।